ये बड़ी और अहम खबर उस वक्त आपको बता रहे हैं। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, जिन्होंने दिल्ली एम्स में आज आखिरी सांस ली है, राजनीति जगत के लिए ये बड़ी क्षति मानी जा रही है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी जो कई मुद्दों को लेकर आवाज उठाते रहे हैं, दिल्ली एम्स में उन्हें एडमिट कराया गया था जहां पर सीताराम येचुरी का निधन हो गया। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 72 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। सीताराम येचुरी के निधन की खबर सामने आते ही राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। तमाम नेताओं की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की जा रही है, उनके निधन पर दुख जाहिर किया जा रहा है। दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली है सीताराम येचुरी ने, जो सीपीएम के बड़े नेता, कद्दावर नेता माने जाते थे। पिछले काफ़ी वक्त से बीमार चल रहे थे, जिसके चलते उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था और आज दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। 72 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ, जिसे राजनीतिक जगत के लिए एक बड़ी क्षति के तौर पर देखा जा रहा है। सीताराम येचुरी जो कई मुद्दों पर, तमाम मुद्दों पर अपनी मुखर राय रखा करते थे, पिछले काफ़ी वक्त से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स में एडमिट किया गया था जहां पर आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। 72 वर्ष की उम्र में सीताराम येचुरी का निधन हो गया, जिसके बाद राजनीति जगत में भी अब शोक की लहर दौड़ गई है। जैसे ही राजनीतिक जगत में इस बात की खबर फैली कि सीताराम येचुरी का निधन हो गया है, उसके बाद राजनीति जगत में शोक की लहर देखने को मिल रही है। तमाम राजनेताओं की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, उनके निधन पर दुख जाहिर किया जा रहा है। नितिन धीमान हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नितिन, डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है? देखिए, पिछले कई दिनों से वो बीमार थे और लगातार एम्स में उनका इलाज हो रहा था, और क्योंकि ये कहा जा रहा था कि पहले उनकी मोतियाबिंद की सर्जरी हुई थी और फिर उसके बाद फेफड़ों में संक्रमण हो गया, और इसी संक्रमण के चलते उनको एम्स में भर्ती कराया गया था, और उसके बाद लगातार उनकी हालत जहां से खराब हो रही थी वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया था। तो ऐसे में आप अंतिम सांस उन्होंने ली है। अगर बात करें तो हाल ही में जो कोलकाता की घटना हुई थी कॉलेज भरी, उस पर उन्होंने अंतिम बयान उसी पर आया था, और नए आपराधिक कानूनों को लेकर जो याचिका दायर थी विपक्षी गठबंधन एनडीए की, उसका समर्थन करने का उन्होंने बयान दिया था। एक वामपंथी नेता के तौर पर सीताराम येचुरी की एक अलग पहचान रही है हमेशा ही। उन्होंने हमेशा वामपंथ विचारधारा को आगे बढ़ाया, और अगर उनका हम जीवन देखें तो जेएनयू से उनकी शुरुआत हुई थी और जेएनयू के लगातार वो 3 बार अध्यक्ष भी रहे, फिर आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किए गए और उसके बाद फिर वो राजनीति में आ गए। क्योंकि सीताराम येचुरी को पहले महासचिव बनाया गया था करीब 2016 में पार्टी का, और उससे पहले ये पार्टी के संसदीय समूह के नेता थे, सांसद भी रहे, और 2005 के बाद से लगातार ये सांसद भी रहे, और 2016 में इनको सर्वश्रेष्ठ सांसद के तौर पर राज्यसभा में नवाजा गया था। तो वो भी एक अहम इनके जीवन का एक पड़ाव देखा जा सकता है, और 1984 में उनको सीपीआईएम की केंद्रीय समिति में शामिल किया गया था, और फिर 2015 में जाकर के उनको महासचिव बनाया गया। और क्योंकि वो पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी सबसे स्ट्रांग या तो केरल में है या पश्चिम बंगाल में है या जेएनयू में है, तो जेएनयू से निकल के इन्होंने फिर पश्चिम बंगाल में राजनीति की। 2005 से वो राज्यसभा के लिए चुने गए थे, सदन में काफी मुद्दे उठाए हैं, हालांकि यूपीए के साथ मिलकर के सरकार भी चलाई और कई मुद्दे उठाए।